दोस्तों नमस्कार। आगरा घूमने की श्रृंखला में आज हम चलेंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर मन कामेश्वर मंदिर में। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर आगरा के चारों कोनों पर स्थित है, हम आपको उनके दर्शन एक एक करके जरूर करवाएंगे, लेकिन आज चलते हैं मन कामेश्वर मंदिर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसके दर्शन से भगवान भोलेनाथ भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए चलते हैं मन कामेश्वर मंदिर। यह मंदिर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, बिजली घर, आगरा फोर्ट बस स्टेशन से महज आधा किलोमीटर दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना सोमवार के दिन बहुत ही प्रसिद्ध है। वैसे तो हर दिन श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन सावन महीने में विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। मंदिर का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। द्वापर युग में खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रचलित कथा के अनुसार मथुरा में कृष्ण भगवान के जन्म के बाद उनके बाल स्वरूप के दर्शन की कामना लेकर कैलाश से चले शिव ने एक रात यहाँ बिताई थी और साधना की थी। उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि वह कान्हा को अपनी गोद में खिला पाए तो यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे। अगले दिन जब वह गोकुल पहुंचे तो यशोदा मैया ने उनके भस्म भभूत और जटाजूटधारी स्वरूप को देखकर मना कर दिया कि कान्हा उन्हें देखकर डर जाएंगे। तब शिव वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। शिव को आया जानकर कन्हैया ने लीला शुरू कर दी और रोते रोते शिव की तरफ इशारा करने लगे। तब यशोदा माई ने शिव को बुलाकर कान्हा को उनकी गोद में दे दिया। तब जाकर कृष्ण चुप हुए। वापसी में शिव ने यहां आकर शिवलिंग की स्थापना की और कहा कि जिस तरह से यहां मेरे मन की कामना पूरी हुई, उसी तरह से सच्चे मन से यहां आने वाले मेरे हर भक्त की मनोकामना पूरी होगी। इस मंदिर की खासियत यह है कि यदि कोई अंदर ना जाना चाहे तो वहां यहां बाहर से शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में ना केवल भोलेनाथ की शिवलिंग है, बल्कि बहुत सारे और देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर प्रतिस्थापित हैं, और खासकर भगवान कृष्ण की मूर्ति तो यहां की और प्रसिद्ध है। इस समय आप मंदिर में बनाए हुए पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो यहाँ के मंदिर का जो एम्बियंस है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो यहाँ बैठकर टाइम बिता सकते हैं। रामलला की मूर्ति आपके सामने है, जो कि भगवान राम के मंदिर अयोध्या में स्थापित मूर्ति है। पेड़ पौधों को आप देखिए, जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। यहाँ मंदिर के सामने, क्योंकि ये पुराने मंदिर में है और बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आपको दिया और साथ में मिठाई लेके जाना होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों से शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।